हेलो दोस्तों, आज हम वाइल्ड वाटर बफेलो और केप बफेलो के बीच लड़ाई करवाने वाले हैं, क्योंकि हमें इन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है इस बात का पता लगाना है। वैसे तो इनकी असलियत में लड़ाई हो ही नहीं सकती है, क्योंकि यह अलग अलग कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। हालांकि इनके बीच लड़ाई ना होने के कारण हम इन दोनों के साइज कंपेरिजन के आधार पर सबसे ताकतवर कौन है वह चुनने वाले हैं। तो हम साइज कंपैरिजन के साथ साथ इन दोनों की कुछ ऐसी जानकारी जान लेते हैं, जिसके आधार पर हमें इन दोनों में से कौन ज़्यादा ताकतवर है इस बात का पता आसानी से लग सके। तो हम अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इनके साइज और हैबिटेट के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि वाइल्ड वाटर बफेलो लंबाई में करीब 2.4 मीटर से लेकर 3 मीटर तक हो सकती है, जिसमें इनकी पूंछ भी शामिल है, और इनकी शोल्डर तक की हाइट 1.5 मीटर से लेकर 1.9 मीटर तक हो सकती है, और इनका एवरेज वेट 600 किलो से लेकर 1200 किलो तक हो सकता है, और यह आपको इंडिया में और साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलते हैं, और यह ज़्यादातर एशिया में मिलने के कारण वाइल्ड वाटर बफेलो को एशियाटिक बफेलो के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि यह अभी विलुप्ति के कगार पर खड़े हैं, क्योंकि अभी इनकी संख्या 3000 से लेकर 4000 तक ही है, और इसका कारण है इनका हद से ज़्यादा शिकार करना और ज़्यादा मात्रा में हैबिटेट लॉस होना। वही केप बफेलो की बात करें तो केप बफेलो लंबाई में करीब 1.7 मीटर से लेकर 2.5 मीटर तक हो सकती है, जिसमें इनकी पूंछ भी शामिल है, और इनकी शोल्डर तक की हाइट 1 मीटर से लेकर 1.5 मीटर तक हो सकती है, और इनका एवरेज वेट 300 किलो से लेकर 900 किलो तक हो सकता है, और यह आपको साउथर्न एंड ईस्ट अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। इसीलिए केप बफेलो को अफ्रीकन बफेलो के नाम से जाना जाता है। तो आपको ऊपर बताई हुई जानकारी के आधारित पर यह तो पता चल ही गया होगा कि वाइल्ड वाटर बफेलो केप बफेलो से साइज के मामले में आगे है। तो अब इनके वेपन्स और स्ट्रेंथ के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आपको इन दोनों के पास ताकतवर और मजबूत सिंह देखने को मिल जाएंगे, जिनका यह किसी हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इन पर कभी हमला हुआ तो यह अपने इसी सिंगों से उस हमलावर को अच्छी खासी अकल सिखा सकते हैं, और यह एक दूसरे के साथ हुई लड़ाई के वक्त भी इनका इस्तेमाल करते हैं। मगर मैं आपको बता दूं, वाइल्ड वाटर बफेलोज के सिंगों की लंबाई 1.5 मीटर तक हो सकती है और केप बफेलोज के सिंगों की लंबाई 1.2 मीटर तक। तो यह दोनों इसी हथियार की मदद से किसी का भी पेट आराम से फाड़ सकते हैं, और साथ ही यह अपने पैरों से कुचलकर भी मार सकते हैं। इसलिए केप बफेलो के हमले में दर साल 200 इंसानों की जान चली जाती है। तो अब इनके स्ट्रेंथ के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, वाइल्ड वाटर बफेलोज के पास साइज का एडवांटेज मौजूद है, और साथ ही इनके पास मसल पावर भी ज़्यादा है, मगर यह एजिलिटी के मामले में केप बफेलो से पीछे है, क्योंकि यह सिर्फ 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकते हैं, वही केप बफेलो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। इसलिए केप बफेलो एजिलिटी के मामले में आगे है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों को अपने शिकारियों से लड़ने का या फिर उनसे बचने का एक्सपीरियंस सेम ही होगा, क्योंकि वाइल्ड वाटर बफेलोज के शिकारी है बंगाल टाइगर, एशियाटिक लायन और साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, वही केप बफेलोज के शिकारी है अफ्रीकन लायन, नील क्रोकोडाइल और हाइनाज। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों का एक्सपीरियंस सेम ही होगा। तो अब इनके डाइट के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, यह दोनों ही हर्बीवोरस एनिमल है, जिसका मतलब यह है कि इनका मुख्य आहार ग्रास ही है, मगर वाइल्ड वाटर बफेलो ज़्यादातर पानी में रहने के कारण यह कुछ एक्वाटिक प्लांट्स को भी अपना आहार बना लेती है। तो अब इन दोनों के फाइट के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इन दोनों के बीच फाइट होना नामुमकिन है, क्यों वह हम पहले ही बता चुके हैं, इसलिए हम फाइट के बलबूते पर किसी को विनर नहीं कह सकते हैं। हालांकि हमने अभी तक जितनी जानकारी बताई हुई है उसके आधारित पर विनर का पता लगा सकते हैं। जैसे कि वाइल्ड वाटर बफेलो साइज में, मसल पावर में और हथियारों की लंबाई में केप बफेलो से आगे है। हालांकि केप बफेलो सिर्फ एजिलिटी के मामले में ही वाइल्ड वाटर बफेलो से आगे है। तो हम इस जानकारी के आधारित पर कहें तो इस लड़ाई का विनर वाइल्ड वाटर बफेलो हो सकती है। तो इस पर आपकी क्या सोच है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ ही आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।